कहाँ से आ रहे हो? अहमदनगर महाराष्ट्र। अच्छा महाराष्ट्र से, कहाँ जा रहे हो? लखनऊ। कैसे जाओगे? पैदल जाएंगे, अब गाड़ी नहीं मिली। लॉकडाउन में क्यों कहीं रुक क्यों नहीं जाते हो? इससे पहले निकल चुके थे, लॉकडाउन हुआ हाँ, उसके बाद में निकले। तो वहाँ तक अब पैदल ही जाओगे? फिर क्या करें? अभी कब कितने दिन में यहाँ पहुँचे इंदौर? 19 दिन हो गए चलते चलते। 19 दिन से चल रहे हो? रोटी वोटी कहाँ पे मिल रही है? रोटी वोटी खाने को मिलती, मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? कहीं भी मिल जाता खाना मिल जाता है कहीं पे। कितने जने हो? बस 6 लोग। कितने किलोमीटर रोज पैदल चल लेते हो? जैसा 50 किलोमीटर भी, 60 किलोमीटर भी। तो रात को रुकते कहाँ हो? रात को ऐसे चलते रहते हैं, कहीं अगर कोई गाड़ी वाला मिल गया तो बिठा लिया, नहीं कोई बात नहीं, चलते रहते ऐसे। तो 60 किलोमीटर पूरी रात चलते रहोगे? फिर चलते रहते हैं कहीं आराम के लिए रोड पे बस। घंटे दो घंटे। क्या काम करते हो? कुछ नहीं, यहाँ क्या काम है? अहमदनगर में क्या करते थे? पहले कपड़े का काम था हमारा। कपड़े का काम, कपड़े बेचते थे? बेचते थे कि सिलते थे, क्या करते थे? बेचते थे। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में घर है। अच्छा, तो क्या कितने दिन में पहुंचोगे लखनऊ? देखो क्या टाइम लगता है। तो यहाँ से जो अभी यहाँ पे सरकार ने कोई व्यवस्था करी नहीं कि कहीं रुकने उकने की, जहाँ रुक सको खास पी सको? क्या व्यवस्था सरकार करेगी? 6 लोगों पे इतना खाना दे रही, क्या व्यवस्था कर रही है? तो आप सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो? क्या व्यवस्था है? किसी भी सरकार ने करी, महाराष्ट्र ने भी, मध्य प्रदेश ने भी। लोगों पे इतना खाना कर मिला था। हाँ, तो जा क्यों ना, कहीं रुक क्यों नहीं जा रहे हो अभी कर्फ्यू खुलने तक? क्या रुके, ये पैसे कौड़ी तो है नहीं, है? क्या फायदा, पैसे नहीं क्या फायदा रुके? कितने पैसे है तुम लोगों के पास अभी? कितने पैसे है? 100-200 रुपए, 100-200 रुपए बस। बस 6 जनों में, 6 जनों में क्या होता? कोई गाड़ी वाला मिला, बिठाया तो बिठाया, नहीं तो जा रहे।